शिक्षार्थियों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अच्छा कैसे लिखें। शिक्षार्थियों, आप और हम भाषा के लिखित रूप का प्राय प्रयोग करते ही हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम बोलते हुए बहुत अधिक सोचते नहीं? जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है, हम तुरंत उसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें कुछ नया लिखना होता है तो हम 10 बार सोचते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें, शुरू कैसे करें? जैसे किसी को पत्र लिखने में, या प्रश्नों के उत्तर लिखने में, या कभी हम अनुच्छेद या छोटा निबंध जब लिखते हैं तब हम ऐसा अनुभव करते हैं, या ऐसे ही किसी अन्य परिस्थितियों में। इस प्रकार से आपको भी ये अनुभव हुआ होगा कि लिखना जो कौशल है उसके अनेक रूप हैं। शिक्षार्थियों, आप सहमत होंगे इस बात पर कि बोलना जितना आसान है, लिखना उतना नहीं। किंतु लिखने का प्रभाव बोलने से अधिक स्थायी और प्रभावी होता है, परंतु शर्त यह है कि हमें प्रभावी ढंग से लिखना आए। इस कार्यक्रम में हम यही सीखेंगे कि प्रभावी ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। हमारे मुख्य बिंदु हैं सही शब्द चयन, वाक्य विन्यास और वाक्य गठन हम कैसे करें, शुद्ध हिंदी लेखन के गुण कैसे पहचानें, लिखित अभिव्यक्ति को मुहावरे, लोकोक्ति आदि के प्रयोग से अधिक प्रभावी कैसे बनाएं, विराम चिन्ह आदि का सही प्रयोग कैसे सीखें, अपने विचार को सही क्रम देते हुए उन्हें अपनी भाषा में कैसे ढालें, अनुच्छेद, कहानी, आलेख आदि को पढ़कर अपने शब्दों में कैसे लिखें। शिक्षार्थियों, भाषा के लेखन में मुख्यतः दो पक्ष हैं। एक उसका बाहरी पक्ष अर्थात स्वरूप पक्ष है, जिसमें शब्द चयन, वाक्य गठन, मुहावरा प्रयोग, अभिव्यक्ति शैली आदि आते हैं, और दूसरा है उसका भीतरी पक्ष, जिसे भाव या विचार पक्ष कह सकते हैं। इसमें विचारों या भावों की गंभीरता, स्पष्टता, सरलता आदि शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लिखावट के कुछ नमूने देखते हैं। लिखावट का पहला नमूना ये आपके समक्ष है। आपने देखा ये किस तरह की लिखावट है? क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह क्या लिखा गया है? अक्षर स्पष्ट हो रहे हैं आपको? चलिए अब हम लिखावट का दूसरा नमूना देखते हैं। ये लिखावट का हमारा दूसरा नमूना है। क्या इसे देखकर आपको स्पष्ट हो रहा है कि लेखक ने क्या लिखा है? क्या सभी अक्षर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये वर्तनी शुद्ध है? चलिए अब हम तीसरा नमूना देखते हैं। यहाँ आपको भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है? इसमें क्या लिखा गया है? शब्दों में अंतर देखेंगे आप, बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही नाप तोल कर रखा गया है। वर्तनी शुद्ध है, अक्षर स्पष्ट हैं और उनका आकार एक जैसा है। शिक्षार्थियों, लेखन के समय आपको जिन बातों पर ध्यान देना है वो मुख्य रूप से है आपकी लेखन की स्वच्छता, सुंदरता और सुडौल अक्षर निर्माण, आपका हाशिया छोड़कर लिखना और अक्षर, शब्द एवं वाक्य से वाक्य के बीच की दूरी। अच्छे लेखन की कुछ शर्तें हैं, जिनमें से कुछ हैं कि आपका लेखन प्रभावी हो, जो भी आप लिखें वह सटीक हो और जो लिखा जाए वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। शिक्षार्थियों, शुद्ध लेखन का मतलब है कि लेखन सुंदर हो और शब्दों की वर्तनी शुद्ध हो, वाक्य की बनावट ठीक हो, उसमें व्याकरण संबंधी कोई गलती ना हो। और सटीक लेखन का मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, जो आप कहना चाहते हैं वही अर्थ निकले और वही दूसरों तक पहुँचे। इसके लिए आप सही शब्द चुनें और सही वाक्य बनाएं। ऐसा करने के लिए तीनों सीढ़ियां चढ़ना ज़रूरी है, यानी बिना शुद्ध लिखे सटीक लेखन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको शुद्ध लिखना सीखना होगा, इसके बाद ही आप सटीक लेखन का कौशल सीख पाएंगे। शिक्षार्थियों, हमारी कल्पना पंख पसारती है और हमारे मन में जिन नए नए भावों का संचार होता है, हम उन्हें
लिपिबद्ध करना चाहते हैं। अगर हमें शुद्ध लिखना आता ही नहीं तो हम अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और उसके बाद शब्द से परिचित होना होगा। अगर हम सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते तो लिखते समय वर्तनी के गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आपने स्नान किए कि नहीं, यही बात वह लेखन में कर जाते हैं जो कि गलत है, क्योंकि स्नान की जगह उन्हें स्नान शब्द लिखना चाहिए था। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्थाई को अस्थाई की तरह उच्चारित किया जाता है, जबकि ऐसा लिखते समय अशुद्धि हो जाती है। शिक्षार्थियों, कुछ लोगों की व और ब संबंधी अशुद्धियाँ भी लेखन में हो जाती हैं। वर्षा को वर्षा और वनस्पति को वनस्पति लिख जाते हैं। इसके अलावा श श स की अशुद्धि तो अधिकतर लोगों से हो ही जाती है। वे शासन को शासन, नमस्कार को नमस्कार और कष्ट को कष्ट लिख जाते हैं। ट और ठ के लेखन में भी खूब अशुद्धियाँ होती हैं। विशिष्ट के स्थान पर विशिष्ट और संतुष्ट की जगह संतुष्ट लिखते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, जो कि गलत है। इसी तरह हमें क्ष और छ लिखते समय भी अशुद्धियों से बचना होगा। लोग क्षमा के स्थान पर क्षमा या छिमा लिख देते हैं। हमें इस तरह की अशुद्धियों से अवश्य बचना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग बात करते समय हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों का बेमेल प्रयोग करते हैं। हालांकि आजकल इस तरह की भाषा का प्रचलन बोलचाल में बढ़ता चला जा रहा है, जो कि गलत है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों में दो या तीन शब्दों के मिले जुले शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला उदाहरण है, बिफोर कि वह कुछ बोले मैंने ऐसा कर दिया। आप देखेंगे कि इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही अटपटा लग रहा है। दूसरा उदाहरण है, स्कूल जाते समय मुझे राम एंड श्यामू वॉक करते हुए मिल गए। ऐसे उदाहरण बहुत सामान्य हैं। इस तरह के प्रयोग करते हुए आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। इस प्रकार दो या तीन भाषाओं के मिले जुले शब्दों को हम कोड मिश्रण कहते हैं। इसी तरह आपने कई लोगों को एक ही अर्थ देने वाले दो दो शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में करते हुए सुना होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसे पुनरुक्ति या दोहराव दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे इसी खतरे का भय था। जब आप खतरे का प्रयोग कर रहे हैं तो भय का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर खतरे का भी प्रयोग किया गया और भय का भी, जो कि सही नहीं है। दूसरा उदाहरण है, गुनगुने गर्म पानी से नहाने में बड़ा मज़ा आता है। जब आप गुनगुने पानी की बात कर रहे हैं तो आपको गर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप गुनगुना पानी लिखिए या गर्म पानी लिखिए, लेकिन दोनों का प्रयोग करना सही नहीं है। इसी तरह अगला उदाहरण है, कालचक्र के पहिए के नीचे दबकर सब समाप्त हो जाता है। जब आप कालचक्र कह रहे हैं तो कहने का ही अर्थ है कि समय का पहिया, तो आपको दोबारा पहिए का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दोहराव दोष हमारे लेखन में आता है। शिक्षार्थियों, हमारी अभिव्यक्ति में बहुत से जो दोष हैं वे बाधक रहते हैं और हम अच्छे ढंग से लिख नहीं पाते। हमें इनसे बचना चाहिए। ये दोष हैं अशुद्ध भाषा, उच्चारण दोष, वर्तनी दोष, शब्द प्रयोग तथा वाक्य रचना संबंधी दोष। हमारी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में ये दोष बाधक बनते हैं। शुद्ध बोलना या लिखना एक कौशल है, एक हुनर है। अब हम बात करते हैं उपयुक्त शब्दों के चयन की। उपयुक्त शब्दों के अभाव में हम अपने विचारों या अनुभवों को व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे मन में कोई विचार उठा और हमने उसे भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए शब्द खोज लिए, मगर यह काम यहीं समाप्त नहीं होता। शब्दों के चयन के बाद हमें यह भी देखना होता है कि उनका मेल बैठता है कि नहीं। उदाहरण के लिए, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, केरल में लिटरेसी दर सबसे अधिक है। मान लीजिए आपने लिखा कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। इसकी जगह यदि आप लिखें कि मेरे मम्मी बाप बूढ़े हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी के साथ बाप का मेल नहीं बैठता। या तो मम्मी पापा लिखा जाएगा या माँ बाप या अम्मी अब्बा। इसी प्रकार
यदि आप लिखें कि केरल में लिटरेसी दर सबसे अधिक है तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शब्दों का प्रयोग बेमेल है। लिटरेसी अंग्रेजी का शब्द है और दर हिंदी का। या हिंदी में साक्षरता दर लिखिए या फिर लिटरेसी रेट। शिक्षार्थियों, मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र से मिलने उसके छात्रावास गए और वह अपने कमरे पर नहीं मिला। आपको उससे बहुत ज़रूरी काम था, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप उसके नाम एक चिट लिखकर ताले में लगाएंगे या कमरे में डाल देंगे। मगर उस चिट पर आप लिखेंगे क्या? क्या ऐसे लिखेंगे, विनोद, विगत 2 डेज से मैं तुमसे मिलना चाहता था मगर तुम नहीं मिले। तुम्हें ज्ञातव्य हो कि आसन्न परीक्षा के मद्देनज़र मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। इस तरह से लिखना क्या ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसमें जो कहना चाहते हैं वे ठीक ठीक व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उपयुक्त शब्द चयन और व्यवस्थित तथा सटीक ढंग से कही बात ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यहाँ आपकी भाषा अटपटी है, साथ ही साथ विगत 2 डेज जैसे शब्दों का प्रयोग भी ठीक नहीं है। हमेशा अपनी बात सीधे और सही तरीके से कहनी और लिखनी चाहिए। आपको चिट पर लिखना चाहिए था कि मित्र विनोद, पिछले 2 दिनों से मैं तुमसे मिलना चाहता था। आने वाली परीक्षा के संबंध में तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। शिक्षार्थियों, प्रभावी लिखने के लिए हमारे पास अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी हो और उनका हम ठीक ठीक प्रयोग भी कर सकें। आवश्यकता हो तो हम उपसर्गों, प्रत्ययों की सहायता से नए शब्द भी बना सकें। पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेक के लिए एक शब्द आदि जो हमने अब तक पढ़े हैं वे यही काम आएंगे। शब्द चयन की शिथिलता और चुस्ती को आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। शिमला पहाड़ पर बसा देखने योग्य स्थान है। दूसरा विकल्प है इसका, शिमला दर्शनीय पर्वतीय स्थल है। दूसरा उदाहरण है, वर्षों बाद बेटे को देखकर मां पगला गई। इसका दूसरा विकल्प है, वर्षों बाद बेटे को देखकर मां विभोर हो गई। शिक्षार्थियों, इन वाक्यों को पढ़ते हुए आप स्वयं समझ गए होंगे कि स्तंभ क की अपेक्षा स्तंभ ख के वाक्य अधिक चुस्त और प्रभावी हैं। आप कारण भी ढूंढ सकते हैं। पहले वाक्य में पहाड़ पर बसा के लिए पर्वतीय और देखने योग्य के लिए दर्शनीय कर दिया है। इसी प्रकार माँ पगला गई की अपेक्षा विभोर हो गई या गदगद हो गई या प्रसन्न हो गई अधिक सही लगता है। शिक्षार्थियों, विशेषण हमारी भाषा और अभिव्यक्ति को जानदार और प्रभावी बनाते हैं, और विशेषण के बिना भाषा नीरस लगती है। आप उदाहरण देखिए, सामान्य भाषा में लिखा जा रहा है कि मेरी भाभी अच्छी है, उनकी आँखें अच्छी हैं, उनका माथा अच्छा है, माथे पर बिंदी अच्छी लगती है, वह कानों में झुमके पहनती हैं और नाक में लौंग। यदि हम विशेषण का प्रयोग करके इसे पुनः लिखते हैं तो इसकी भाषा कुछ इस प्रकार से होगी, मेरी भाभी बहुत सुंदर हैं, वे चौड़े माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती हैं, उनके बाल काले लंबे और रेशम से मुलायम हैं, बड़ी बड़ी चमकीली गोल आँखें तो गजब की हैं, तीखी नाक में छोटी सी जगमगाती लौंग और बड़े कानों में लंबे से झूलते झुमके बड़े प्यारे लगते हैं। शिक्षार्थियों, आप स्वयं ही बता सकते हैं कि इन 2 वर्णनों में से कौन सा प्रभावी है और क्यों। केवल विशेषणों के कारण ही यह भाषा प्रभावी बन पड़ी है। आप इन विशेषणों का जितना अच्छा प्रयोग करेंगे आपका लेखन उतना ही प्रभावी बनेगा। अब हम बात करते हैं मुहावरों के प्रयोग की। शिक्षार्थियों, शब्दों का मेल बिठाकर व्याकरणिक शुद्धि को जान भर लेने से हमारा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि हम अपनी लेखन शैली को प्रभावशाली और चुस्त बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना होगा। प्रसंगानुसार शब्दों, मुहावरों और सूक्तियों के प्रयोग से आपकी भाषा सुंदर हो जाती है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसका अर्थ हुआ कि यह काम बहुत ही सरल है। यहाँ कहने वाले ने अपनी बात मुहावरे के सहारे आसानी से व्यक्त कर दी है और यह कथन भी असरदार बन गया है। लेकिन मुहावरे के सटीक प्रयोग का भी हमें ध्यान रखना है।
विशेषणों की ही भांति मुहावरे भी भाषा को जीवंत और प्रभावी बनाते हैं। मुहावरों में कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति देने की क्षमता होती है और मुहावरा प्रयोग से जो प्रभाव पड़ता है वह केवल सीधे सादे शब्दों से नहीं पड़ता। इन वाक्यों को ही लीजिए। साधारण भाषा में कहा जा रहा है, इस बच्चे की शैतानियों से मैं बड़ी परेशान हूँ। लेकिन जब मुहावरे का प्रयोग करके इस वाक्य को पुनः लिखा गया तो यह इस प्रकार बन पड़ा, इस बच्चे ने मेरी नाक में दम कर रखा है। दूसरा उदाहरण है, दादाजी इतने बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। मुहावरे का प्रयोग करके यह वाक्य है, दादाजी तो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। शिक्षार्थियों, अब हम वाक्य गठन के नियमों की भी कुछ बात कर लेते हैं। यूँ नियम जाने बिना भी हम वाक्य रचना करते हैं और खूब अच्छे से करते हैं। बच्चा या अनपढ़ व्यक्ति जब बोलता है तो व्याकरण के नियम जाने बिना बोलता है और प्रायः ठीक ही बोलता है, पर बोलने और लिखने में थोड़ा अंतर है। बोलने में तो वक्ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है और आवाज़ के उतार चढ़ाव, पदबंधों की पुनरुक्ति, शरीर की भाषा आदि के द्वारा वह अपनी बात को अच्छे से समझा देता है, पर लिखने में हमारे वाक्य ही हमारे मुख प्रेषक होते हैं, अतः उनमें स्पष्टता और शुद्धता आवश्यक है। वाक्यों की शुद्धता की बात करते हुए हमारा ध्यान सबसे पहले अन्विति की ओर जाता है। अन्विति का अर्थ है वाक्य के भीतर पदों के परस्पर संबंध के अनुसार वाक्य में उनका स्थान। वाक्य रचना करते समय यह ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। उन शब्दों के ठीक ठाक संबंध को जानने के लिए उनका एक दूसरे से सामंजस्य ही अन्विति कहलाता है। जो लिखा जा रहा है वह व्याकरण सम्मत होना चाहिए, इसलिए पूरे वाक्य में तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। दो शब्दों के लिंग, वचन अर्थात पुरुष, कारक और काल की जो समानता होती है उसे अन्विति कहते हैं। कर्ता कर्म क्रिया की अन्विति के अंतर्गत नियम है कि कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया। उदाहरण के लिए, गीता ने फल खाया। बहुत लोग इस प्रकार का वाक्य लिखते हैं कि गीता ने फल खाई, जो कि गलत है। इसका कारण है कि कर्ता गीता स्त्रीलिंग है, उसका कर्म फल पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया जो है वह पुल्लिंग अर्थात खाया होगी। इसका सही वाक्य होगा, गीता ने फल खाया। शिक्षार्थियों, अब हम बात करते हैं विशेषण की। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार आदि की विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, लाल गाय, काली बिल्ली, सफ़ेद हाथी, ऊंची दुकान, फीका पकवान, मोटा लड़का, पतली लड़की आदि। शिक्षार्थियों, ध्यान दें कि आकरांत अर्थात आ ध्वनि से अंत होने वाले शब्द विशेषण जैसे गोरा, काला, पीला आदि में आपको ध्यान रखना है। यदि आप कह रहे हैं गोरा लड़का, संज्ञा के स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग होने से आपका विशेषण भी तदनुसार परिवर्तित होगा। यदि आप लड़के के लिए गोरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे गोरा लड़का, पीला कपड़ा। लेकिन सरसों के लिए अगर आप पीले विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं तो सरसों चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए आप लिखेंगे पीली सरसों। अब हम बात करते हैं संज्ञा सर्वनाम की अन्विति की। उदाहरण के लिए, डाकुओं का एक गिरोह पकड़े गए। दूसरा उदाहरण है, फूलों का गुच्छा बहुत अच्छे लगते हैं। आप बता सकते हैं कि ये वाक्य गलत हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रयोग की। हम उदाहरण लेते हैं, सुमित कल सुबह आया था, सुमित हिंदी की किताब दे गया था।
इस वाक्य में दो बार सुमित आया है, यह वाक्य ठीक नहीं लग रहा है। इसमें सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद सही वाक्य होगा, सुमित कल सुबह आया था, वह हिंदी की किताब दे गया था। तो शिक्षार्थियों, आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं विराम चिन्हों के सही प्रयोग की। वाक्य का अर्थ ठीक ठीक समझने में विराम चिन्ह भी सहायक होते हैं, इसलिए अच्छी हिंदी लिखने के लिए हमें उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना चाहिए। विराम चिन्ह न लगाने से अर्थ अस्पष्ट होता है और कभी कभी अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी होती है। जैसे पहला वाक्य है, तुम उठो मत बैठे रहो। इस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए यह वाक्य बिल्कुल अस्पष्ट है कि इसमें वक्ता क्या कहना चाहता है। अगला वाक्य है, तुम उठो मत बैठे रहो। आपको स्पष्ट हुआ होगा कि विराम चिन्ह लगने से यह जो वाक्य है यह उठने का आदेश है। अगला वाक्य है, तुम उठो मत बैठे रहो। एक बार फिर से विराम चिन्ह के प्रयोग से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर वक्ता यह कहना चाहता है कि तुम मत उठो, बैठे रहो, अर्थात यहाँ न उठने का आदेश आपको दिया जा रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, राधा मोहन और कृष्णकांत पधार रहे हैं। यहाँ राधा मोहन के बीच कोई विराम चिन्ह नहीं है, इसलिए हम यह मान रहे हैं कि राधा मोहन एक ही व्यक्ति हैं और इससे हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि दो लोग आ रहे हैं। लेकिन अगले वाक्य में कहा जा रहा है, राधा मोहन और कृष्णकांत पधार रहे हैं, तो विराम चिन्ह के प्रयोग से हमें स्पष्ट हो रहा है कि तीन लोग आ रहे हैं। शिक्षार्थियों, अच्छी हिंदी लिखने में निपुणता पाने के लिए अच्छे वाक्यों का गठन होना चाहिए। अच्छे वाक्य से तात्पर्य है सरल, स्पष्ट, चुस्त और आकर्षक वाक्य। हमें यथासंभव जटिल वाक्य बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि प्राय बड़े वाक्यों में गलतियां होने की संभावना रहती है। बड़े वाक्य में जो कहना हो उसे दो तीन चार छोटे सरल वाक्यों में कह सकें तो अच्छा रहता है। स्पष्टता के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि अर्थ स्पष्ट होने पर ही लेखन की सार्थकता है। वाक्यों में अनावश्यक शब्द नहीं होने चाहिए और न ही अप्रचलित कठिन या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग। कुछ लोग समझते हैं कि जटिल तत्सम शब्दों के प्रयोग से रौब पड़ता है, पर यह सच नहीं है। सरलता में अनूठी सुंदरता है, आप स्वयं ही देखिए। एक वाक्य है, वाम पृष्ठ पर लिखित तर्कों का अवलोकन करें। यह वाक्य जटिल वाक्य है और इसी को हम बहुत ही सरल भाषा में जब लिखते हैं कि बाईं ओर लिखे तर्क देखें, तो ये बहुत ही सरल और पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसान लगता है और पढ़ने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। एक और उदाहरण देखिए, भारत लक्ष्य प्राप्ति के सन्निकट प्रतीत होता है। यह भी एक जटिल वाक्य है, कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम सरल भाषा में इसी अभिव्यक्ति को हम पुनः लिखते हैं तो क्या आता है, भारत लक्ष्य के पास लगता है। शिक्षार्थियों, प्रभावी लेखन वह है जिसमें शब्दों का प्रयोग सटीक और वाक्यों की बनावट सुगठित होती है, आपको लिखने में आसान हो और पढ़ने वाले को समझना आसान हो। आप अपने विचार क्रम में रखें जिसे उसे पढ़ने में आपका मन लगे। हम एक उदाहरण लेते हैं, यह एक अनुच्छेद है, सृजनात्मक मस्तिष्क आत्मविमोही होता है। आत्मविमोही चिंतन में फैंटेसी जैसी प्रक्रिया का प्रभुत्व होता है। यह अपेक्षाकृत यथार्थता बहिर्भूत होता है और अंतर्मुखी रुझानों से भौतिक वस्तुओं का रूपायन प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें नियंत्रण की उन प्रक्रियाओं से विराम होता है जो यथार्थता चिंतन को संचालित करती हैं। अतः यह यथार्थता चिंतन से अधिक सरल तथा तार्किक सूत्रों से अनावरुद्ध है। यह अमूर्त रूपों की बजाय
मूर्त रूपों की ओर उन्मुक्त होता है। मूर्तिकरण की रूपाकृतियाँ प्रत्यक्ष बिंब, रूपक सादृश्य इत्यादि हैं। इस चिंतन की चरम परिणति मायावरण तथा तंद्रा मूलक बिंबावली है। इस तरह यथार्थता चिंतन के विवेकशील सत्य के विपरीत आत्मविमोही चिंतन का कलात्मक सत्य कल्पनाश्रित तथा मूर्त होता है। अब हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज़ होती है तो काफ़ी झुक जाता है, पर हवा के हल्का पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यही क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। देखता क्या रहा, उसकी झुक झूम में रस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि हवा कितनी ही तेज़ हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। शिक्षार्थियों, निश्चित रूप से आपने पाया होगा कि पहला अनुच्छेद अधिक कठिन है। वह सरलता से समझ में भी नहीं आता, परंतु व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। वहीं दूसरा अनुच्छेद पढ़ने में अधिक आसान और शीघ्र ही समझ में आने वाला है। लेखन करते समय हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे मन में जो भाव या विचार हों वे बिल्कुल स्पष्ट हों। उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें प्रतीकों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना होता है, लेकिन हमारी बात दूसरों को तभी समझ में आएगी जब पढ़ने वाला भी उन प्रतीकों या मुहावरों को समझता हो और हम भी उसका ठीक ठीक प्रयोग करें। शिक्षार्थियों, आज हमने चर्चा की अच्छा कैसे लिखें। हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि सबसे पहले अपनी बात व्यक्त करने के लिए हम सही शब्द की तलाश करते हैं। जब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता तो अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम वाक्य गढ़ते हैं। जब हमारी बात एक वाक्य में पूरी नहीं होती तो हम अनुच्छेद या पैरा बनाते हैं। जब एक अनुच्छेद में भी हमारी बात पूरी नहीं समाती तो हम कई अनुच्छेद वाला निबंध या आलेख तैयार करते हैं। लेखन के समय हम विषय का ध्यान रखते हैं, प्रयोजन और पाठक का भी हम ध्यान रखते हैं, अर्थात हम क्यों लिख रहे हैं और हमारी सामग्री को पढ़ने वाला कौन है, इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हम यह भी ध्यान रखते हैं कि बातें उपयुक्त क्रम में रखी जाएं और एक अनुच्छेद की बात दूसरे अनुच्छेद में गड़मड़ न हो या उनका दोहराव न हो। शिक्षार्थियों, आप हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या किसके लिए लिख रहे हैं। लिखते समय सदैव ध्यान में रहे कि आप क्यों लिख रहे हैं, आपका लेखन विषय के अनुरूप है अथवा नहीं, और आप जो तथ्य लिख रहे हैं उनका क्रम ठीक है अथवा नहीं। आप यह भी ध्यान रखें कि आपके शब्दों का चयन और प्रयोग सटीक है अथवा नहीं, आपकी भाषा शुद्ध है अथवा नहीं, आपने विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक ढंग से किया है अथवा नहीं। शिक्षार्थियों, आज की इस चर्चा में हमने बात की कि अच्छा कैसे लिखें। आप विभिन्न प्रकार से अभ्यास करके अच्छा लिखने का कौशल विकसित कर सकते हैं। ध्यान रहे, अभ्यास ही इसका मूल मंत्र है। आशा है आपको यह कार्यक्रम लाभदायक लगा होगा। धन्यवाद।